इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच की सीरीज शुरू होने से पहले और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों सीरीज खत्म हुई है तब पिक्चर कुछ अलग ही नजर आ रही है। अब यहां पर WTC पॉइंट्स टेबल में इंडिया टॉप पर है और ऑस्ट्रेलिया सेकंड पोजीशन पर है। आपको बता दूं कि इंडिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया, जिससे कि पॉइंट्स काफी अच्छे मिले इंडिया को और इंडिया टॉप पर पहुंच गया। और उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दोनों टेस्ट मैच हरा दिए। आपको बताऊं तो पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हराया 172 रनों से, और दूसरा जो टेस्ट मैच हुआ क्राइस्टचर्च में वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता 3 विकेट से। तो अब कंडीशन काफी बदल गई है, अब ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का WTC फाइनल एक बार फिर देखने को मिलेगा। पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया से हम भिड़े थे तो वहां इंडिया हार गया था और उसका काफी अफसोस भी है, तो हो सकता है कि इस बार बदला लेने का मौका फिर से मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया जब जब इंडिया के सामने फाइनल में होता है धड़कनें और ज्यादा तेज हो जाती हैं और सभी फैंस टेंस हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि जब वो फाइनल में होते हैं तो वो अलग ही नजर आते हैं। चाहे आप बात करें 2003 के वर्ल्ड कप की, जहां इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया, और अगर आप बात करें तो हाल ही में हुए वनडे वर्ल्ड कप की, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में हरा दिया। वो फैंस के दिलों में काफी चुभा भी है और अभी तक सबके मतलब दिलों में यादगार चीज बनी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया को तो हराना है और ऑस्ट्रेलिया से बदला भी लेना है। पिछली बार टेस्ट चैंपियनशिप जब हम ऑस्ट्रेलिया से भिड़े थे तो वहां भी इंडिया को हारना पड़ा था, लेकिन अगर इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल में भिड़ते हैं तो इस बार इंडिया की टीम काफी डिफरेंट दिखाई दे रही है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो हो सकता है कि इंडिया इस बार पिछली जितनी भी हमारी हार हुई है उसका बदला ले ले। अगर मैं आपको पॉइंट्स टेबल के आंकड़े बताऊं तो इंडिया इस वक्त टॉप पर है। इंडिया ने 9 मैचेस खेले हैं जिसमें 6 मैच में जीत हासिल हुई है और 2 मैच हारने पड़े हैं और 1 मुकाबला ड्रॉ हुआ है। वहीं इंडिया के जो इस वक्त पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 74। और बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने 12 मुकाबले खेले हैं जिसमें 8 में उसे जीत हासिल हुई है और 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स हैं 90। तो आप इस समय काफी कंफ्यूज होंगे कि इंडिया के पॉइंट्स कम होते हुए भी इंडिया टॉप पर कैसे है। दरअसल बात यह है कि अब ICC के नए रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अब ध्यान देना है जो टीम जीतेगी उसकी विनिंग परसेंटेज पे, यानी टीम कितने परसेंटेज मैच जो खेलती है उसमें से जीत पाती है। अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो इंडिया ने अपने 68% मुकाबले जीते हैं, और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त सिर्फ 62% मुकाबले जीते हैं, यानी कि 6% का अंतर। और वहीं न्यूजीलैंड भी तीसरे स्थान पर काबिज है और इस समय उनका जो परसेंटेज है जीत का वो है 50%, यानी न्यूजीलैंड तो रेस में काफी पीछे है, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफी क्लोज एनकाउंटर करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये दो टीम फाइनल में भिड़ेंगी तो क्या ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से इंडिया को हरा देगी, या एज अ फैन मैं कहूं तो इंडिया अपनी सारी पुरानी हार का बदला लेती हुई नजर आएगी और रोहित शर्मा की ये यूथ ब्रिगेड, ये यंगिस्तान टीम एक बार इतिहास रचने को फिर से तैयार होगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम करेगी। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।